गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? और पढ़ाई करी नहीं करी? कोई नहीं, पढ़ाई करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए घर में, क्योंकि हम स्कूल नहीं आ रहे तो हमें घर पे ही सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं, और हम पढ़ रहे थे हिंदी, ठीक है? हिंदी में हम वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, दो अक्षरों वाले शब्द, दो अक्षरों वाले वाक्य, हमने ये सब पढ़ा है ना। अब हम पढ़ेंगे दिए गए अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाओ। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, पर बहुत सारे शब्द होते हैं तो एक बार और उसे कर लेते हैं। छोटे छोटे शब्द होते हैं, है ना, तो मैं चार पांच ही बताऊंगी, आप उसे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? जैसे यहाँ लिखा है ड और र, और हमें पता है कि बीच में किसका साइन है, प्लस का, धन का, तो हम इसको जोड़कर ही लिखेंगे। तो ड और र क्या बन गया? डर। डर, डर मतलब फियर, मतलब आपको पता है ना डर का मतलब, कि आप जैसे अंधेरे में जाने से डरते हो, तो वो वाला शब्द बना डर। अब यहाँ पर लिखा है क और म, ठीक है? अब ये साइन किसका है? जोड़ने का, तो हम पहले जोड़ लेते हैं। हमने क्या लिखा? क और म। अब जब ये जुड़ गया है तो हम इसे पढ़ेंगे काम। अब ये एक और शब्द बन गया काम, मतलब जैसे आप, मम्मा काम करती है, पापा काम करते हैं, आप भी काम करते हैं, तो वो वाला शब्द काम। ऐसे ही अब इसे हम करेंगे, हम जोड़ कर लिखेंगे, तो पहले हमने लिखा क और फिर हमने लिखा र, तो बन गया कर। कर मतलब जैसे मैं आपसे बोलूंगी ना, ये कर, ये काम कर, है ना, वो वाला कर, ठीक है? अब यहाँ पर लिखा है म और र। म र, मर, है ना, ये भी एक शब्द है मर। तो डर, कम, कर, मर, ये कितने हो गए? चार हमारे शब्द बन गए, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, खत, जग, कप, बट और बक, रथ, एक, यज्ञ, बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से कुछ मैंने बताए और आपको बाकी लिखने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है? तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।